नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मुझे पता है आप लोग जितने भी लोग कॉम्बिनेशन भर रहे हैं, प्रीफरेंस फॉर्म भर रहे हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। तो उसी समस्याओं को लेकर मैं आपका समाधान करने के लिए आया हूँ। देखिए, अभी मैं बाहर हूँ तो पूरा आपको ऑफिशियली अपडेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए इतना तो गाइड कर दूंगा कि कम से कम इतना आपको नॉलेज हो जाएगा कि जब आपको प्रीफरेंस फॉर्म भरना होगा तो कैसे आप भरेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, जब आप प्रीफरेंस चूज करते हैं तो देखिए 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा टफ है, जिनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। यानी कि अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा अच्छा होगा तभी आप इस सब्जेक्ट को प्रीफर करिएगा, नहीं तो आप मत करिएगा। ठीक है, जैसे मेन कैंपस की अगर हम बात करते हैं, मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना होगा और बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बी एम एडमिशन लेना होगा तो आपका जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है वो इकोनॉमिक्स का जाता है, स्टैटिस्टिक्स का जाता है और मैथ का जाता है। ठीक है, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इनके कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाते हैं, तो वो वही बच्चे सेलेक्ट करें जिनका मेरिट हाई हो। ठीक है, तो जिनका मेरिट कम होगा वो बिल्कुल सेलेक्ट मत करना। हाँ, अगर तुम सेलेक्ट करते भी हो तो तुमको ज्यादा प्रीफरेंस भरना है, यानी कम से कम 70-80-100 कॉम्बिनेशन प्रीफरेंस बनाओगे तब जाकर तुम्हारा एडमिशन के चांसेस रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम बता देते हैं, क्लियर कर दिया हूँ। स्टैटिस्टिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन सबके कट ऑफ हाई जाते हैं, तो आप इनको पहले पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कम नंबर भी हैं तो भी रखिए, हाई नंबर है तो भी रखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका मेन कैंपस की बात कर दिए। और दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए आपको अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जैसे कि खाली अफिलिएटेड में गर्ल्स है, जैसे डीएवी है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है, आर्य महिला है, इन सब में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप लोग एएससी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, होम साइंस रख सकते हैं, एजुकेशन रख सकते हैं, ये सब सारा प्रेफरेंस आप रख सकते हैं, क्योंकि इन सबका कट ऑफ जो है कम जाता है, यानी बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपके नंबर कम आए होंगे तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही बस आपको बताना था। बाकी जिस कॉम्बिनेशन में ये सारे सब्जेक्ट होंगे, एआईसी, इंग्लिश, हिंदी, तो इनको आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कम नंबर भी है तो जितना ज़्यादा इसके कॉम्बिनेशन बन रहा होगा सबको रख लेना। तीसरी बात बता देते हैं, जिनको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना होगा, अगर आप कैंपस से पढ़ना चाहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है वो जर्मन का जाता है, क्योंकि जर्मन उन्हीं को मिलता है जिसका नंबर ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो इनको आप उन्हीं लोग रखिएगा। बाकी उसके बाद फ्रेंच आता है, उसके बाद चाइनीज आता है, रशियन आता है, ये सब कम अगर आपका है तो मिल जाएगा। तो यही सब सारा आपको बताना था, छोटा मोटा डाउट आपका जो क्लियर कर दिए। चौथी बात आपका क्या है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो आप एनएक्सचर 10 है उसमें क्या भरना है। तो एनएक्सचर 10 में अगर जहाँ 2020 लिखा है उसको 2022 बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी एनएक्सचर को वैसे ही भर दीजिएगा, नाम नंबर अपना सारा। नीचे जो आप फैकल्टी दे रहा है डिपार्टमेंट भरने का, वहाँ पे आपको वो फैकल्टी भरनी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 8 फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 फैकल्टी लीजिएगा, साइंस में लेना चाहते हैं तो साइंस फैकल्टी ऐसे भरना है। ठीक है, बाकी आप लोग कोई डाउट है नहीं, क्योंकि देख रहे हैं काफी जिले आप लोग भर ले रहे हैं। बाकी जो अगर किसी को हॉस्टल वगैरह चाहिए होगा तो हॉस्टल सेक्शन में आपको यस कर देना है। यही सब छोटा मोटा प्रॉब्लम था जो कि मैं क्लियर कर दिया हूँ। और आखिरी सवाल आप लोग का ये डाउट था, करेक्शन विंडो को लेकर काफी ज्यादा आप लोग परेशान थे। तो करेक्शन विंडो देखिए 30 तक खुला हुआ है, तो 30 तक आपका करेक्शन होगा। ठीक है, उससे पहले आप अपना, अगर किसी ने करेक्शन किया है या फिर करने वाला है तो आप लोग 30 के बाद ही रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि जब तक एनडीए अपना डाटा बीएचयू को भेजेगा नहीं तब तक बीएचयू अपना अपडेट करेगा नहीं। और यही सब सारा बच्चा लेकर परेशान है, फिर हमको मैसेज करते हैं कि भैया हमारा अपडेट नहीं हुआ, भैया हमारा अपडेट नहीं हुआ, भैया हमें दिक्कत है वो है। क्योंकि आपको दिक्कत आएगी, जब तक वो डेटा नहीं भेजेगा बीएचयू को तब तक कहाँ से होगा। ठीक है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक अगर आपने करेक्शन किया है 30 तक वेट कर लो, 30 के बाद अपना बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करना और प्रीफरेंस फॉर्म भरना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी नया वीडियो ऐसे लाते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर महादेव।